पूरा खुल चुका है यार, स्थिति का तो ख़त्म हो चुका है यार। एंड उसके वजह से मोबाइल नहीं चल रहा था तो ब्लॉक खराब हो चुका है, ब्लॉक आई मीन ब्लॉक स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत हो गया यार, जब से लिए तब से दिक्कत हो रहा है। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अगेन। भाई बहुत टाइम के बाद फिर से आ गए हैं यूट्यूब पे भाई, बहुत टाइम के बाद। और सीन आज कुछ ऐसा है कि ना, आज मैंने अपना स्कूटी निकाला है, ठीक है, देख पा रहे हो बहुत कम फ्यूल है यार। तो ऐसे मैं जा रहा हूँ आज जुतने पे। लाइक केस ऐसा है कि मेरा जैकेट नहीं है यार, जैकेट एक लेना है और एक शर्ट लेना है, तो सोचा क्यों ना एक ब्लॉग हो जाए उसको ही लेके। द प्राइस ऑफ द जैकेट्स आर वेरी कॉस्टली यार, बाप रे बाप, इतना सारा इतना कॉस्टली हो गया है आजकल का जैकेट लोग। 33,000-4,000 का जैकेट कब से निकल गया यार पता ही नहीं, तो उसके वजह से मैं भी ले नहीं पा रहा यार। लेकिन आज तो देख रहा हूँ एक तो लेके आऊँगा यार, कुछ तो कम में लेके आऊँगा सोच रहा हूँ। एंड प्राइस जो हाई हुआ है ना, सबका रीज़न है न्यू ईयर एंड क्रिसमस। ये न्यू ईयर एंड क्रिसमस में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है यार। जो जैकेट का दाम होगा 1500, उसका भी दाम होता है 3000-4000 यार। यार आप क्या कर लो, न्यू ईयर के लिए एक जैकेट चाहिए यार मुझको, क्योंकि मैं राइड पे जाता हूँ तो आप लोगों को पता ही होगा यार कितना हैवी जैकेट चाहिए राइडिंग के लिए। तो उसकी वजह से एंड आई थिंक सो मैं अभी बकराउटी में जाके ये बाइक एक्सचेंज करूँगा, आई मीन स्कूटी एक्सचेंज करूँगा एप्रिलिया के साथ। एक एप्रिलिया पे थोड़ा ब्लॉक करके देखते हैं यार कैसे लगता है कैसा नहीं लगता है। यानी ये जो जगह है ना यार, यानी ये जो दुकान देख रहे हो ना, ये वाला जो बंद पड़ा है, ये बहुत सारा मेमोरी था यार। देयर इज अवर चर्च बॉय, ये बड़ा जो है स्कूल, ये मेरा स्कूल था एंड दिस इज डॉन बॉस्को। बहुत सारे मेमोरी है यार यहाँ से पास आउट हुआ यार, बहुत मिस करता हूँ, मन करता है एक बार घुस जाओ। लेकिन कोई पैसा नहीं है, नहीं एक्सेप्ट हेड मिस्ट्रेस है टीचर्स है और कोई है भी नहीं आज तो ऐसा सीन हो रहा है। तो चलते यार जल्दी। और मेरा फिलहाल ये 25 जनवरी को 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस था एंड 1 जनवरी जो कि न्यू ईयर है, उसमें ब्लॉग नहीं आएगा क्योंकि मैं ही खुद इन्जॉय कर रहा हूँ यार। मैं ब्लॉग कर सकता हूँ इन्जॉयमेंट का, लेकिन मैं नहीं कर रहा इसलिए, द रीज़न इज दैट बिकॉज रात को ब्लॉग होता है यार, रात को तो लाइट चाहिए, तो लाइट एक ख़रीदना पड़ेगा जो कि आपकी इतना पॉसिबल नहीं है। मैं खरीद लूँ एक लाइट, तो लाइट खरीदने के बाद तवाई वाला ब्लॉग आएगा यार। लाइट खरीदना है, अडैप्टर खरीदना है, माइक भी खरीदना है। माइक तो एक ट्रेवलॉमिक भाई ने दे दिया है, लेकिन स्टिल यार देखना है। हेयर इज एप्रिलिया, उस पर ब्लॉग करते हैं यार, ठीक है ना। सीन ऐसा था कि स्कूटी को बहुत सारा साफ़ किया आज सुबह सुबह उठ के, थोड़ा पॉलिश वगैरह कर दिया इसलिए थोड़ा साफ लग रहा है यार। एंड यहाँ का सब कुछ वायरिंग टूट गया है यार, क्या बताऊँ। और ये वायरिंग लग जाता था लेकिन मैं वॉश कर दिया पानी से, तो उसकी वजह से वायरिंग ख़राब हो चुका है टोटली ख़त्म। अलग फिलहाल जा रहे हैं यार दुधने में। ओके तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दुधना है, यहाँ पे यार देखते हैं आगे। जैकेट वगैरह का तो दुकान मिलेगा इधर, में तो आया था यार लास्ट टाइम, आया था क्या? इतना सारा प्राइस, इतना दाम है ना यार, लेने का भी मन नहीं करता है। नहीं तो वो कॉलेज रोड में जाके देखेंगे, कॉलेज रोड में वो बोला हाँ, वो नहीं 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 वो तो और दाम है भाई। यहाँ पे कहीं पे जाके देखते यार, जहाँ पे बहुत सारा दुकान होगा वहाँ में जाके देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा पार्क कर देते हैं। ये जैकेट सब देख पा रहे हो, दिस इज द हांगकांग मार्केट भाई। ये जैकेट सब का प्राइस इतना ज़्यादा हो गया है कि यार लेना ही मुश्किल हो चुका है। क्या चले कोट यही मोक है, जैकेट भाला सिलो है, इसका प्राइस नहीं कम रहा है। इधर लोग 3 बार बन गया हाँ, ये मुझको पसंद आया था यार। ट्राई करूँ ना कि हुआ, सीन ऐसा हुआ कि मुझे को ये पसंद था लेकिन ये मेरा राइडिंग के ऊपर काम नहीं आएगा यार, तो दिस द रीज़न वाई एम चूजिंग दिस। ये वाला मुझको पसंद है, पसंद मतलब राइडिंग के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ठंड में जाना पड़ता है यार, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। इन ग्रीन कलर है ये एंड तो इसको फिक्स करते हैं, ज़्यादा नहीं देखते, जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा पसंद आएगा। एंड एक शर्ट भी लेना है तो फिलहाल इसको फिक्स करते हैं। तो यू गाइस कैन सी ये मैंने ले लिया है एंड लाइक अभी फिलहाल एक शर्ट ढूंढना है यार,
शर्ट ठीक है सर, देख लेते हैं ठीक है सर दाम तो फिलहाल बहुत कम में मिल गया यार, चलो अच्छा है तो फिलहाल कम में नहीं। ओए गाइस तो यहाँ से शर्ट भी ले लिया यार, तो ये दिस इज़ द कलर, मुझको भी उतना चॉइस करना आता तो नहीं है, मामा के लिए था, तो अगर साइज और कुछ कलर का इशू हुआ तो फिर से आएंगे यार। एंड सब हो गया, जैकेट भी हो गया, ये राजीव भाई ने भी सामान ले लिया, पेंट लिया, एंड मेरा जैकेट भी हो गया, शर्ट भी हो गया, एवरीथिंग इज ओके। तो फिर चलते यार घर घर। ओए गाइस तो फिर बैक इन योर स्कूटी, फिलहाल हम लोग जा रहे हैं शनि मंदिर, सोनी मंदिर ना, सोनी बाज़ार वहाँ में मार्केट लगा है, तो मेन रोड से नहीं जाऊँगा, यहाँ से भूल चलो इधर से जा सकेगा आराम, कोई बात नहीं। कुंडी मेन रोड केला, डबल हेलमेट नहीं भाग, हेलमेट पहन भी नहीं की। अभी थोड़ा जाते हैं शनि मंदिर टाइप तरफ, वहाँ पे जाके थोड़ा देख लेते यार बाजार लगा है वहाँ पे। We can go. So, finally we have entered. यार यहाँ पे जो कपड़ा मिलता है ना, बहुत ब्रांडेड कपड़ा मिलता है यार। आज न्यू ईयर का लास्ट मार्केट है, न्यू ईयर का लास्ट मार्केट है यार, आज ही नहीं की काली न्यू ईयर है, काली 31st में वही कल सामने, हाँ कल से, हाँ कल सामने ही न्यू ईयर, हाँ तो आज लास्ट मार्केट 2:30 हो गया, कितना वाला है, सनग्लास को देख के यार दिल पिघल जाता है यार, ये सब सनग्लास एंड जो प्राइस जो है ना वो सब हाई होगा यार अभी तो। एंड पब्लिक रिएक्शन और रैली ओपिया यार चचा, तो दिस इज द की टू वर्ड टू और एप्रिलिया भाई, एप्रिलिया कुछ अलग लगता है यार, एक ह्यूज एक एनर्जेटिक पूरा फील आता है यार, फ्रेम सही है ना, तो पीछे एक्चुअली डाउन है उसकी वजह से और स्टैंड नहीं उठाया यार, तो एप्रिलिया एक अनदर लेवल है एक्सपीरियंस, यू नो तो भाई वाला लगता है एकदम बहुत पावरफुल है, देखना है देखो एक अलग ही लगता है यार एप्रिलिया में भाई, खत्म टोटली खत्म लगता है यार टोटली। हेयर इज अवर एंटर भाई, इसका इंडिकेटर चल रहा है अभी भी, तो यहाँ पे थोड़ा फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं यार, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया ना जाके इंस्टाग्राम में फॉलो करो, यहाँ पे दे दिया होगा, टोटली तबाही वाला सीन होगा एंड फोटोज वगैरह क्लिक करके फिर से चलते हैं टुवर्ड्स अवर रोड यार। इस पावल इसमें मजा इसे। ओए गाइस सो द फोटो शूट हैज बीन डन, तो फिलहाल चलते यार, फोटोशूट वगैरह हो गया सब, आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। एंड जो एप्रिलिया है ना वो एप्रिलिया एक स्कूटी नहीं है, इट्स ए बीस्ट मैन, टोटली खतरनाक यार, इसको चला के एकदम लगता है एकदम खतरनाक लगता है इसको चला के यार, एकदम नेकेड लगता है यार, खतरनाक टोटली। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस राइड यार, तो फाइनली इसका घर पहुंच गया, तो इसलिए थोड़ा स्लो कर देते हैं, एप्रिलिया देखे फिर हम लोग भी घर चलते यार, हो जाओ इसी नहीं नूमा भी। फिलहाल ड्रैग रेस हो गया था, एक छोटा सा रेस होगी ना कि वहाँ एक ड्रेस पे ड्रैग रेस बोलते हैं उसको, ड्रैग रेस हो गया था यार छोटा मोटा, तो फिलहाल यहाँ पे मैंने अपना कर लिया था अपना फ्यूल अप भाई, जा फ्यूल अप कर लिया था यार, ये भी मेरा दोस्ती है सब, तो फ्यूल अप कर लिया यार, अभी कोई टेंशन नहीं है, बिंदास जाऊँगा घर पे खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करूँगा, एडिट वगैरह भी करना है, ब्लॉग बहुत टेंशन नहीं है ड्यू टू क्रिसमस, आप लोग क्रिसमस ही इंजॉय करोगे या मेरे व्लॉग इंजॉय करोगे, इसके चक्कर पे मैंने व्लॉग ही अपलोड नहीं किया यार, कुछ दिन का गैप लिया है ताकि आप लोग भी इंजॉय करो, उसके बाद मेरा व्लॉग तबाही वाला आएगा। एंड फिलहाल के लिए माय हैप्पीनेस, आई डोंट नो यार मेरा स्कूटी ख़राब हो चुका है टोटली, कुछ एक गंदा सा साउंड निकल रहा है, बीच में दो बार स्टॉप हुआ मैं स्टार्ट किया यार, मुझको फिर से डर लग गया, अब कितना खर्चा होने वाला है पता नहीं, जब से लिया है तब से कुछ ख़राब हो रहा है यार,
आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन यार। अभी धीरे धीरे जा रहा हूँ, उस टाइम मैं स्पीड से जा रहा था तो बहुत दिक्कत किया यार। अभी मैकेनिक को दिखा था, स्पीड करने से बहुत फन आता है। पिकअप भी ख़त्म हो चुका है, पिकअप भी टोटली ख़त्म हो चुका है। दिखाता हूँ यार मैकेनिक को, मेरे में आवाज़ आ रहा है, कुछ एक आवाज़ आ रहा है अंदर से। कुछ एक आवाज़ आ रहा है यार, बहुत गंदा गेट। तो देखते यार यहाँ पे दिखा के क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साला ये फिलहाल स्कूटी यार क्या जो हो चुका है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा यार। तो हाँ क्यों नहीं दी, हाँ हाथ में कुछ एक्सपेंसिव, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत हो गया यार, जब से लिए तब से दिक्कत हो रहा है। यहाँ से कुछ अलग साउंड आया था, पता नहीं यार। एंड लाइक फिलहाल लेट्स चेक क्या हुआ क्या हुआ, कितना खर्चा जाएगा पता नहीं यार। अब तो फिर से मूड ख़राब हो गया, इतना अच्छा था मूड था मेरा। एक्सीलेंसी क्या होता है, ऐसा है कि मैंने सब सामान वगैरह रख दिए एंड फिलहाल घर पे जा रहा हूँ यार। स्कूटी वगैरह देके सब दिखाना पड़ेगा क्या हुआ है, वहीं पे रख दिया। एंड मैं फिलहाल घर पे जाके ड्रेस वगैरह चेंज करके आता हूँ, ये सब सामान रखना पड़ेगा तो ऐसे मैं कर नहीं सकता। सो होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, फिर मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और दिखाता हूँ क्या हुआ है मेरे स्कूटी के साथ। सो भाई एक्सपेंसी भाई, इंजन तो नहीं, पूरा खुल चुका है यार स्कूटी का। तो बात ऐसा है कि मोबाइल नहीं था यार, देख पा रहे हो मोबाइल, और मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ कि लाइक मोबाइल स्कूटी का। तो जब आया तो देख रहा हूँ कि मोबाइल सब ख़त्म हो चुका है यार, एंड उसके वजह से मोबाइल नहीं चल रहा था तो ब्लॉक ख़राब हो चुका है। ब्लॉक। तो अब क्या होगा वही देख रहे हैं, स्टार्ट होने के बाद ये सब ठीक हो जाएगा। चेक कर दे यार, एक अच्छा अच्छा चल रहा था यार, सब ख़राब हो गया। चेक करना चाहिए यार, मैं तो यहाँ पर नहीं रहता हूँ। तो वही चेक देखते हैं, अभी मैं आ गया तो चेक करा लेते। आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल भाई, फाइनली यहाँ पे धुआं निकल रहा है बोले। धुआं निकलने का मतलब ब्लॉक ख़राब हो गया ना भाई, ब्लॉक ख़राब होने से धुआं निकलता है यार। तो बट खुशखबरी की बात ये है कि स्कूटी स्टार्ट हो चुका है भाई। मेरे को सच में जान निकल गया था, बहुत सारा खर्च हो जाता यार अभी तो। चलो स्टार्ट हो गया, अभी अच्छे से जल्दी जल्दी चलेगा, उसके बाद हम लोग ब्लॉक करेंगे ठीक है ना। तबाही वाला फिर से ब्लॉक मिलेगा, आज ही चला रहा था, इतना बुरा लग रहा था यार। सुबह इसको साफ करके पॉलिश वगैरह किया यार, लाइक चलो धुआं निकल रहा, इसको भी कर देंगे अभी, मोबाइल वगैरह चेंज कर दे उसके बाद मिलते हैं यार। यार है आहू भाई, मॉनसून बह गए। अरे गाइस तो बात ऐसा है कि ना, मेरा जो स्कूटी का जो ये जो है ना, क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं ना, वो टोटली ख़त्म हो चुका है यार। तो उसको अभी चेंज करने में यार 3000-4000 लगेगा। एंड और एक चीज़ ख़राब हुआ है जो कि सेल्फ में है लगता है यार, तो वो भी 3000-4000 ऐसे ही है। तो टोटल 8000-9000 का खर्चा है। तो लाइक व्हाट टू से, एंड जब तक ये ब्लॉक में चेंज नहीं करूँगा तब तक यहाँ से धुआं निकलता रहेगा यार, स्कूटी से धुआं निकलता ही रहेगा। तो लाइक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, लाइक धुआं निकलना मेरे लिए अच्छा। तो स्कूटी से धुआं निकलेगा जब तक मैं ये ब्लॉक नहीं बनाता हूँ, तो ये धुआं निकलना मुझको अच्छा नहीं लगता यार। एंड एक क्रैंक वगैरह साउंड वगैरह करेगा ना यार, एकदम डिसअपॉइंट लग गया। तो होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, इफ यू मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग में, मुझको बहुत ख़राब लग रहा है यार, बहुत मानसन डाउन हो गया मेरा।